नमस्ते सश्रीकाल एंड आदाब। आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल रिमारो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आज इस वीडियो में खास हम लेके आए हैं एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे साम्स करके जो ट्रिक अपना के हम करके दिखाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं और इस पैटर्न के साम्स रेगुलरली रिपीट होते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद इसलिए होगा क्योंकि इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि क्विक ट्रिक से हम आप कैसे इस टाइप के साम को सॉल्व कर सकते हो। अगर एसएससी के अलावा आप एसएससी जीडी के अलावा आप एसएससी का कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम्स आप दे रहे हो या प्रिपेयर होने जा रहे हो अपीयर होने जा रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो फायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी। तो आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जिसमें बोला हुआ है कि ऐसा एक नंबर बताओ, बड़ा सा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और सेम रिमाइंडर मतलब भागशेष छोड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो भी नंबर होगा उससे इसको डिवाइड करेंगे जो भागशेष आता है, इसको डिवाइड करेंगे जो भागशेष आता है और इसको डिवाइड करेंगे जो भागशेष आता है, तीनों ही सेम होगा, तो वो नंबर कौन सा है। देखो हमारे पास ऑप्शन ये है, अगर आपको साम नहीं करना है, हीट एंड ट्रायल वाला मेथड अपनाना है तो वेरी सिंपल वे में क्या कर सकते हो, आपको देखना है ना इनमें से कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और सेम भागशेष छोड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आपको तो आंसर वैसे तो आपको पता नहीं है तो आप एक एक करके चेक कर सकते हो। पहले 6 से चेक करो, 6 से अगर 34 को डिवाइड करते हैं, 6 से 34 को डिवाइड करते हैं तो 6 से 34 को डिवाइड करते हैं तो 5 6 30 आ गया रिमाइंडर 4, ये भागशेष आ गया 4। अगर 58 को करेंगे 6 से तो कितना आता है, 6 9 54 आ गया 4। और 94 को अगर करते हैं 4 से 4 23 92 आ गया 2। अब देखो 6 वाला ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि 6 से इन तीनों नंबर को डिवाइड करने पे क्या आया हमारे पास, 2 में तो सेम आया लेकिन 3rd में अलग आया, तो तीनों सेम नहीं आया इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ऐसे करके आप दूसरे से चेक कर सकते हो, तीसरा कर सकते हो, चौथा कर सकते हो। लेकिन इन केस आपका आंसर अगर चौथा वाला हुआ तो आपको तो सारा चेक करना पड़ेगा, उसमें तो टाइम निकल जाएगा। इसीलिए अगर आपको पता है कि कैसे निकाला जाता है वो बहुत बढ़िया होगा ना, तो अब हम दिखाते हैं कि कैसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो नंबर्स दिए हुए हैं इनका पेयर लेंगे। एक सेकंड डस्टर ले लेता हूं मैं। जो नंबर दिया हुआ है, तीन नंबर है ना 34 58 और 94, तीन नंबर है ना, दो दो का पेयर लेंगे और उनका डिफरेंस लेंगे, वेरी सिंपल। पहले इन दोनों का लेते हैं 58 एंड 34, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं कितना आता है, जो आता है हम लिख लेंगे, फिर इससे इसको करेंगे 94 से 58, फिर 94 से ये, मतलब दो दो का पेयर बनाना है, पहले ये दो फिर ये दो फिर ये दो, ठीक है, मतलब सबके साथ सबको आना है, दो दो का पेयर बनाना है। ये मैंने बना लिया 94 माइनस 34। अब इनका डिफरेंस निकाल लो कितना आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 24, इसका आएगा 36 और इसका आएगा कितना 60 आएगा, ठीक है 60 आएगा, सॉरी 64 आया ना, 36 आया, ठीक है। तो अब ये जो है ऑप्शंस, अब इनमें से आपको स्टेप आप याद रखो क्या करना है, ऐसे केस में जहां सेम रिमाइंडर छोड़ता है उस केस में जो तीन नंबर दिए हुए हैं उनको दो दो के पेयर में लिखना है और उनका डिफरेंस निकालना है, जो डिफरेंस आएगा बस उनका एचसीएफ लेना है, HCF लेना है और बस आपका हो जाएगा, जो भी HCF आएगा वही होगा आंसर। अब 24 24 36 और 60, देखने से लग रहा है ये 12 से जाएगा, 12 2 3 और 5, और किसी और चीज से जाएगा नहीं, तो 12 से ये तीनों डिवाइड। नॉर्मली हम HCF जो निकालते हैं कैसे निकालते हैं, एक एक करके निकालते हैं, है ना, एक एक करके निकालते हैं। HCF कैसे निकालते हैं हम लोग,
एक एक करके निकालते हैं। जैसे 24 का हम मान लो, 24 का कैसे करेंगे, 12 फिर 2 फिर 2 3, ये हो गया 24 के चार फैक्टर आ गए। 24 की जगह हम लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 3, ऐसे लिख लेंगे। 36 की जगह हम लिख लेंगे 2 18 2 9 3 3, तो 36 की जगह हम लिख सकते हैं 2 2 3 3, है ना। और 60 की जगह ऐसे ही हम लिख सकते हैं, 60 की जगह 2 30 2 15 3 5, तो हम 60 की जगह लिख सकते हैं 2 2 3 और 5। अब अगर हमें HCF लेना है तो हम देखेंगे कि कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, 1 2 1 2 1 2, दूसरा 2 भी कॉमन है, दूसरा कॉमन है, और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं। तो यहां से अगर हम देखें 2 2 और 3 सब में आ रहा है कॉमन, तो हुआ ना 12। तो ऐसे करके हमारे HCF कितना आता है, तीनों का 12 आता है। तो HCF जो होगा वही होगा आंसर। तो इस टाइप के सम का आप या तो हिट एंड ट्रायल कर सकते हो जैसे पहले दिखाया, या फिर ऐसे कर सकते हो, जो आपको इजी लगे, ठीक लगे, वो आप कर सकते हो। वैसे तो ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि एक 6 डिजिट नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट नंबर है जिसमें एक्स और वाई का वैल्यू नहीं दिया गया है। बोला गया है कि ये जो नंबर है, x और y का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। बोला गया है ये जो नंबर है, ये डिविजिबल बाय 72, मतलब 72 से डिवाइड होता है ये नंबर। डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, मतलब भागशेष 0 आता है। तो फिर अगर ऐसा है तो x प्लस y का वैल्यू इनमें से कौन सा है। तो ये निकालने के लिए पहले तो हमें x और y का वैल्यू निकालना है। अब दिया गया है कि ये नंबर 72 से डिवाइड है। अब अगर डिविजिबिलिटी चेक वाला जो फॉर्मूला है उसमें हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये हम जानते हैं कि अगर मैं बोलूं कि 12 6 से डिवाइड है, करेक्ट, 12 6 से, आप इसको करने के लिए ये समझो, आप 12 6 से डिवाइड है, तो मैं ये नहीं कह सकता 6 के जगह मैं अगर 2 × 3 लिख दूं तो मैं बोल सकता हूं ना 12 2 से भी डिवाइड है, 12 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब क्या हुआ, जो 6 था पहले, 6 के जगह 2 × 3 लिख दिया, 2 और 3 क्या है, 6 के फैक्टर से, मतलब अगर 6 से डिवाइड होगा 12, तो 6 के फैक्टर से भी 12 डिवाइड होगा, ये समझ लो। तो यहां जो है ना, बोला गया ये इससे डिवाइड होता है, 72 से डिवाइड होता है, मतलब क्या है कि 72 के जो फैक्टर्स है ना, उनसे भी ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो हम क्या, कौन कौन से फैक्टर यहां ले 72 के जगह, देखो हम लिख लेते हैं 4x 5 7 3 y, ये नंबर दिया गया है, बोला है कि 72 से डिविजिबल है, ठीक। अब पहले जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिखाया मैंने 6 की जगह 2 और 3 लिख दिया, यहां भी हम इसको ब्रेक करके इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे दो फैक्टर्स लेंगे जिनसे हमारा काम हो जाएगा, दो ही फैक्टर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 72 आता है। देखो 6 की जगह हमने दो फैक्टर लिए है, 6 के कितने फैक्टर है, 2 3 6, खुद एक फैक्टर और 1 एक फैक्टर, ठीक है। तो 1 तो सबका ही होता है बाय डिफॉल्ट, जो भी है। तो हमने पहले वाले में 2 दिखाया था, तो ऐसे ही हम सिर्फ दो फैक्टर यहां लेंगे, तो कौन दो फैक्टर ऐसा है जो दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे 72 आता है, 8 और 9, तो 8 और 9 हमने लिख दिया, 8 और 9, ठीक है। 72 से डिवाइड होना मतलब 8 एंड 9 से, दोनों से डिवाइड होना मतलब 72 से डिवाइड होना। अब जो है हम चेक करेंगे कि 8 से अगर ये डिवाइड होता है तो कौन सा रूल फॉलो करता है। अगर 8 से डिवाइड होता है, डिविजिबिलिटी चेक जो है वो आप उसके बारे में सोचो कि कोई नंबर, बड़ा सा नंबर 8 से डिवाइड कब होता है, जब लास्ट 3 डिजिट, जब लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है, 739 739, ये बोला है ना, ये पूरा नंबर 8 से और 9 से दोनों से डिविजिबल, 72 से डिविजिबल है, मतलब 8 9 से डिविजिबल है। अब अगर ये बड़ा सा नंबर 8 से डिविजिबल है, तो फिर ये लास्ट वाला 3 डिजिट, जो भी 3 डिजिट से जो नंबर बनता है वो भी 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब आपको देखना है कौन सा नंबर यहां आने पे 8 से डिविजिबल होगा। यहां 0 पुट कर दो, 730, यहां 0 पुट करो, देखो क्या आता है, 730 730 के 8 से डिविजिबल है नहीं, ठीक है। 731 है क्या, नहीं, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है, नहीं होगा।
732 732 8 से करोगे तो डिविजिबल है क्या? नहीं है। 8 9 72 रह गया 12, 8 से डिविजिबल नहीं है। 734 734 ये भी डिविजिबल नहीं है। 735 ये तो होगा नहीं, 5 ऑड नंबर है, 5 735 तो सिर्फ 5 से ही जाएगा। 736 देखो, 736 8 से अगर करेंगे तो 8 9 72 रह गया 16, 8 2 16 कितना डिविजिबल है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 6 का y का वैल्यू क्या होगा? y का वैल्यू 6 होगा। तो हमें मिल गया भाई, y का वैल्यू हमें मिल गया। तो नंबर हमें फाइनली क्या मिल गया? 573 और 6 मिला, ठीक है, y का वैल्यू हमें मिल गया। अब एक नंबर है जिसका वैल्यू मिलना बाकी है, तो y का वैल्यू हम यहां लिख लेते हैं 6। अब x का वैल्यू मिलना बाकी है। देखो 9 की हमने ये बोला ना, ये नंबर 8 और 9 से दोनों से डिविजिबल है। अब 9 से डिविजिबल होने के लिए रूल क्या है? ये है कि सारे डिजिट्स को ऐड करके जो नंबर आएगा वो अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, ठीक है। मतलब फिर से मैं समझाता हूं, ये 9 से डिविजिबल तब होगा जब हम 4 प्लस x प्लस 5 प्लस ये सारा ऐड करेंगे और वो 9 से डिविजिबल होगा। मतलब ऐसा कोई भी बड़ा सा नंबर हो, इसमें बहुत सारे डिजिट्स हो, सारा डिजिट ऐड करके टोटल जो आएगा वो अगर 9 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर, बड़ा सा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो क्योंकि ये 9 से डिविजिबल है, मतलब ये सारा अगर प्लस करेंगे 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस y, y का वैल्यू तो हमें मिल गया 6 डिवाइडेड बाय 9। अब इसका देखते हैं कितना आता है। अगर ऐड करें हम 4 5 9 7 16 और 3 19 और 6 25 25 प्लस x डिवाइडेड बाय 9। अब x का वैल्यू क्या होने पे ये जो भी टोटल होके आएगा ये 9 से डिवाइड होगा। सीधा सीधा हमें दिख रहा है, अगर 2 पुट करते हैं तो 25 प्लस 2 27 वो 9 से डिवाइड होगा। आपके दिमाग में शायद ये आ रहा हो 2 क्यों, 2 से ज्यादा भी नंबर, ज्यादा भी कोई डिजिट लेंगे तो हो सकता है 9 से डिवाइड हो जाए। आप चेक करके देख सकते हो, 9 तक, 0 से 9 तक कोई भी डिजिट आप ले लो यहां, तो कोई भी नंबर डिजिट लेके ऐड करके देखो टोटल जो भी आता है 9 से डिवाइड होता है कि नहीं। सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, सिर्फ 2 ऐड करने पे जो टोटल आता है वही होगा 9 से डिविजिबल। अगर आप 3 लोगे तो 25 प्लस 3 28 नहीं होगा 9 से। अगर हाईएस्ट डिजिट लेते हैं 9, 25 प्लस 9 34 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसा करके सारे डिजिट से आप चेक कर सकते हो। वैसे ही देखने से ही पता चल रहा है कि यहां अगर 2 पुट कर देते हैं, x का वैल्यू 2 होता है तो 27 हो जाएगा और 27 9 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब x का वैल्यू हो गया 2। हमें निकालना है अब x plus y, तो x plus y 6 plus 2 कितना हो गया 8, ये हो गया हमारा आंसर। तो मतलब इस टाइप का सम अगर आपको मिलता है तो आपको ध्यान में, मतलब आपको एटलीस्ट ये आना चाहिए कि डिविजिबिलिटी चेक कैसे करें, कि बड़ा सा नंबर हो एक दूसरे नंबर से, एक बड़ा सा नंबर एक किसी भी एक नंबर से छोटे से नंबर से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, वो कैसे चेक करें, वो आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है डिविजिबिलिटी चेक के ऊपर, आप उसे देख सकते हो। देखने के बाद आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप का सम अगर आता है, यहाँ 72 दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, 36 18 24 35 8 9 11 कुछ भी हो सकता है, तो फिर आप इजीली आराम से कर सकते हो इस टाइप का सम आए तो। क्योंकि आपको इस टाइप के सम करने के लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि मतलब किस नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करने पे मतलब सारा प्लस करना पड़ता है, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट 3 डिजिट लेना पड़ता है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लिए लास्ट 2 डिजिट लेना पड़ता है। ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया है जो आपको आपका मतलब मिलेगा सिर्फ वही उसी वीडियो में। तो आप हमारे वो वीडियो अभी जाके देख लो, इस मतलब इस वीडियो, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद फिर जाके आप देख लेना, तो आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो वो पहले के जैसा ही आपको लग रहा है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। पहले वाले में ये बोला गया था कि सेम रिमाइंडर छोड़ता है, अब इस वाले में बोला जा रहा है कि तीनों केस में अलग अलग रिमाइंडर, मतलब ऐसा एक नंबर जो तीनों को डिवाइड करेगा। इसको डिवाइड करता है तो 7 रिमाइंडर छोड़ता है, अगर 437 को डिवाइड करता है तो 12 छोड़ता है, अगर इसको डिवाइड करता है तो 2 छोड़ता है, मतलब तीनों केस में रिमाइंडर छोड़ता है, मतलब एक्स्ट्रा नंबर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक नंबर से अगर रिमाइंडर को हटा देते
रिमाइंडर को हटा के जो नंबर मिलेगा हम कह सकते वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब क्या है, मैं अगर कह दूं कि 7, 14 ये क्या है, 14 नहीं, मैं यहाँ 16 लिख लेता हूँ, ठीक है 16 समझाने के लिए, 7 2 कितना हो गया 14 और रिमाइंडर 2। अब मैं अगर बोलता हूं, मैंने ये बोला कि 7 एक ऐसा नंबर है जो 16 को डिवाइड करता है लेकिन रिमाइंडर 2 छोड़ जाता है, ठीक। अगर उस रिमाइंडर को नंबर से माइनस कर दे, अगर इस रिमाइंडर को इससे माइनस कर दे तो कितना होता है 16 - 2 कितना 14, तो 14 हुआ ना इससे डिविजिबल। तो ऐसा ही है, बोला गया है रिमाइंडर ये छोड़ता है, तो हम क्या करेंगे रिमाइंडर को मेन नंबर से माइनस कर देते। जैसे यहां किया, रिमाइंडर को मेन नंबर से माइनस किया, जो आता है वो उस नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं तीनों केस में रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, 398 - 7, फिर हमारा आ गया 437 माइनस कितना है 12 है, और फिर 5425 माइनस 2, ठीक है। अब इनका मैं माइनस करके लिख लेता हूँ, 391 ये आ जाएगा 5 और 2 और 4, 425, ठीक है। यहां लिख लेता हूं 2 है ना, 5423। अब ये जो नंबर आया हुआ है, अब हमें ऐसा नंबर निकालना है जो तीनों को डिवाइड करता हो, ठीक है, तीनों को डिवाइड करता हो ऐसा नंबर। तो ऐसा नंबर कौन सा नंबर हो सकता है जो तीनों को डिवाइड करता हो? आप ध्यान रखना, ऐसे वाले केस जब भी आता है तो आपको सीधा सीधा HCF ले लेना है। HCF मतलब कॉमन फैक्टर्स ले लेना है। कॉमन चीज क्या है तीनों में फैक्टर्स, HCF जब हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमन चीजें निकाल के ले आते हैं, कॉमन फैक्टर्स जितने भी है सारा निकाल के ले आते हैं, और फिर उसी को ही कहते हैं, जितने भी फैक्टर्स है सारा कॉमन जो भी फैक्टर्स है सारा मल्टीप्लाई करके हम कहते हैं भाई ये हो गया HCF, ठीक है। मतलब तीनों में वो कॉमन है, और दूसरा मतलब क्या है, उसी फैक्टर से उसी HCF से तीनों नंबर डिवाइड होगा। जो तीनों फैक्टर जो कॉमन चीजें कॉमन डिजिट्स या कॉमन नंबर कह लो जो आप निकाल के लेके आते हो, मान लो 3 नंबर का HCF निकालना है, तीनों में से जो कॉमन निकाल के लेके आते हो वो क्या होता है HCF होता है। अब ध्यान से देखो, वो जो कॉमन निकाल के लेके आते हो उसी कॉमन से तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा, है कि नहीं। तो हमने क्या हमें यहाँ क्या करना है, इन तीनों का HCF लेना है सीधा सीधा। HCF लेके जो आंसर होगा वही हो गया आंसर। यहाँ हम क्या करेंगे, एक तो ये कर सकते HCF करेंगे आंसर आ जाएगा, दूसरा हीट एंड ट्रायल वाला फॉर्मूला हम यहाँ अपना सकते हैं। हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे, करके देखेंगे 7 रिमाइंडर आता है कि नहीं, फिर 11 से इसको करेंगे, सेम नंबर से इसको करेंगे, देखते 12 आता है कि नहीं, फिर इसको करेंगे देखेंगे कि 2 आता है कि नहीं, ऐसे करके सारे नंबर से हम चेक कर सकते हैं जैसे मैंने पहले सामने बताया था। लेकिन अगर ऐसा ना करना हो तो आप ऐसा करोगे, ठीक है। तो हमें इन तीनों का HCF लेना है। अब देखते हैं तीनों नंबर किस नंबर से डिविजिबल होता है। इसको अगर 17 से ले तो 17 2 कितना हो गया 34 51 3, ये आता है इसका फैक्टर्स, और एक्स्ट्रा कुछ आएगा नहीं 425। इसको 17 से करे तो 34 85 5, ठीक है, और इसको करे 5 4 2 3, इसको भी 17 से करे तो 3 हो गया हमारा, कितना हो गया 51 32 हो गया ना, 51 32 में एक टाइम जाएगा 153 हो गया, 153 कितने बार जाएगा 9 टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, और इसके बाद हमारा कुछ इसका कुछ होगा नहीं। अब अगर फिर से 17 से देंगे 17 1 17 रह जाता 14 1 49 जाएगा नहीं। तो फाइनली ये आ गया हमारे पास, हम देख सकते हैं कॉमन क्या है 17 है, मतलब ये हो गया तीनों का जो HCF वो 17 है। तो फाइनली आंसर 17 ही है। 17 ही ऐसा नंबर है जब तीनों को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर छोड़ेगा 7 12 and 2। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ये। अब जो क्वेश्चन देख रहे हो इसमें बोला गया है ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके साथ ऐड करने पे इन सब नंबर से डिवाइड होगा। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके साथ ऐड करोगे फिर जो भी नंबर आएगा वो इन चारों नंबर से डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो इन चारों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है।
एलसीएम, इन चारों का एलसीएम क्या है? 3, 4, 5, 6 का देखे तो एलसीएम होगा 2, 5, 3, फिर 3 से लेंगे 1, 2, 5 एंड 1, 5, 2 जा 10, 10, 3 जा 30, 30, 2 जा 60, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 60। अब हम क्या करेंगे, स्टेप ध्यान में रखो, बोला गया है कौन सा नंबर यहाँ ऐड करने पे इन सब से डिवाइड होगा। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है, बोला जाता है इन सब से डिवाइड होने वाला नंबर, ऐसा नंबर बताओ, सबसे छोटा नंबर बताओ जो इन सब से डिवाइड होगा, आप क्या करोगे? सीधा सीधा इन सब का एलसीएम लेना है, लेके जो नंबर आएगा, जैसे यहाँ 60 आया, मतलब 60 इन सब से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये हो गया एक सेपरेट क्वेश्चन, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए कि बोला जाता है इन सब से डिविजिबल है, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाल के ये आया। अब अगर जो भी नंबर हम निकालेंगे कि लेट्स से 5 ऐड करने पे इन सब से डिविजिबल होगा, हम चेक क्या करेंगे कि लेट्स से 5 ऐड करने पे अगर इससे डिविजिबल होता है तो फिर इन सब से डिविजिबल होगा, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक। तो अब कर लेते हैं, फिर और समझ में आएगा, शायद इस स्टेप में आपको समझ में ना आया हो। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो नंबर दिया हुआ है 2483, इसको 60 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 4, 60 से 240, और रह जाता है 83, ठीक। 83 को हम करेंगे तो 4 1 टाइम जाएगा 60, 23 आ गया, ठीक। अब ये जो 23 आ गया, अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने पहले साम में ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक, इससे पहले वाला साम, जो रिमाइंडर होता है किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, उस रिमाइंडर को अगर उससे माइनस कर देते हो तो जो नंबर आएगा वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास ये ऑप्शन होता या बोलता कि क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करने पे ये इन सब से डिविजिबल होता, तो हम क्या करते, ये सीधा सीधा ये जो नंबर रिमाइंडर आया हो ना, इससे माइनस कर लेते। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कितना नंबर ऐड करने पे डिविजिबल होगा। हम डिविजिबल किससे चेक कर रहे हैं, 60 से चेक कर रहे हैं। अगर 60 से डिविजिबल कोई नंबर हमें मिल जाता है, लेट्स से इससे 5 ज्यादा मिल गया, एक नंबर इससे 5 ज्यादा है, वैसा नंबर मिल जाता है और ये 60 से अगर डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं ये इन चारों से डिविजिबल है। मैंने बताया था ना 12 और 6 वाला एग्जांपल, वैसे ही है। तो इसीलिए हमने अलग अलग ना करके इन सब का एलसीएम ले लिया। अब 60 से डिवाइड होता है कि नहीं वो देख लेते हैं। अब क्या करने पे, क्या नंबर ऐड करने पे 60 से डिवाइड होगा, अगर 60 से तब डिवाइड हो जाता है एक नंबर ऐड करने पे, तो फिर ये इन चारों से डिवाइड होगा, इसलिए हमने एलसीएम लिया। अब देखो 23, अब रिमाइंडर इतना है ना, अब इसमें कितना और जोड़ जाने पे ये वन टाइम मोर जाएगा, क्वेश्चन मतलब बढ़ जाएगा वन, मतलब यहाँ अगर लेट्स से 37 होता, मतलब इससे इसको माइनस कर दो आप, सीधा सीधा 23 माइनस करोगे कितना आता है, 37 आता है, ठीक है। मतलब अगर 37 ज्यादा होता रिमाइंडर में, अगर 37 ज्यादा होता तो क्या होता, 60 हो जाता, अगर 60 होता तो डिवाइड वन मोर टाइम जाता, ठीक। तो मतलब 37 अगर हम ऐड करते इस नंबर के साथ, यहाँ इस नंबर के साथ अगर 37 ऐड करते तो क्या होता, नंबर 37 ऐड करते तो वो ऐसा नंबर होता जो 60 से ऑटोमेटिकली डिवाइड होता, ठीक। तो अगर 37 ऐड करने पे ये नंबर 60 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली ये इन चारों से भी डिविजिबल है। तो आंसर एक्चुअली निकला क्या, 37, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको ध्यान देना है, बोला गया इन चारों से डिवाइड होता हो, क्या नंबर ऐड करने पे इन चारों से डिवाइड हो, हमने क्या किया इन चारों का एलसीएम लिया, एलसीएम 60 निकला। अब कोई नंबर अगर 60 से डिविजिबल है तो फिर इन चारों से भी डिविजिबल होगा, हमने बताया था ना फैक्टर वाला जो हिसाब किताब पहले बताया था, 12 से डिविजिबल, 12 अगर 6 से डिविजिबल है तो 2, 3 से भी डिविजिबल होगा, ऐसे ही एलसीएम का केस भी ऐसा ही है, कोई नंबर इनसे डिविजिबल है मतलब इनका एलसीएम से भी डिविजिबल होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यही किया हमने, एलसीएम से हमने इस नंबर को डिवाइड करके देखा कि कितना और जोड़ जाने पे ये फुल डिवाइड हो जाएगा, तो हमने देखा 37 ऐड करने पे फुल डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये हुआ
कि ये नंबर इनसे डिवाइड होगा, तभी पूरी तरीके से डिवाइड होगा जब 37 इसके साथ ऐड हो जाएगा, इसलिए आ गया हमारा आंसर 37। अब हम नेक्स्ट ले लेते क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें बोला गया है कि सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर ऐसा कौन सा है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। अब याद करो उससे पहला वाला साम जो चार नंबर दिए हुए थे 3, 4, 5, 6 इनसे डिवाइड होगा ऐसा, तो हमने क्या किया एलसीएम लिया सबका। तो यहाँ क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। उससे पहले एक चीज हम यहाँ लिख के रख देते कि सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर क्या है 1 and 4 times 0, ये हम लिख के रख देते क्योंकि जो हमारा आंसर आने वाला है इसके आसपास आने वाला है सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर ना जो इनसे डिविजिबल होगा मतलब इसके पास होगा, ये तो सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर है, अब इसके ही आसपास होगा जो इनसे डिविजिबल होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे पहले तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम से डिविजिबल कोई नियरेस्ट नंबर होगा मतलब कौन सा होगा वो हम निकालेंगे। तो पहले एलसीएम ले लेते, एलसीएम तीनों का होता है 56, ये हो गया हमारा किससे जाएगा 3 से जाएगा ना 2 से 3 से 28 7 से जाएगा 7, 3, 5, 8। ठीक है, और किसी चीज से जा नहीं रहा है, हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 5, 8 जा 40, 40 जा 120 and 7 जा 840, एलसीएम हो गया 840। ठीक है, 840 हो गया एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, हम इस 1000 को जो सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर है इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते 840 से और फिर देखो आप होता क्या है, 840 से डिवाइड करेंगे 110 जाएगा 840 आ गया 160। ठीक है, 1600। अब फिर से 110 जाएगा कितना हो गया, अब 840 हो गया, कितना रह जाएगा 760 रह जाएगा। अब हमें ये देखना है ये जो 760 आया है रिमाइंडर आया हुआ है ना, रिमाइंडर एक तो ये है अगर हम इस 760 को इससे माइनस कर देंगे मेन नंबर से, जो रिमाइंडर जो एक्स्ट्रा आ गया ना उस एक्स्ट्रा को इसमें से माइनस कर देंगे जो नंबर आएगा वो इससे डिविजिबल होगा, लेकिन इसको अगर माइनस कर देते तो ये 5 डिजिट से घट के 4 डिजिट में आ जाएगा। हम सॉरी हमारा आंसर चाहिए 5 डिजिट में, मतलब माइनस करने से काम नहीं चलेगा, इसका मतलब प्लस में ध्यान देना है। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि इसके साथ क्या ऐड करने पे, जो क्या ऐड करने पे ये 840 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा, मतलब यहां अगर 840 हो जाता ना तो इससे डिवाइड हो जाता ऑटोमेटिकली 1 time हो जाता। तो हम क्या करते हैं इसके साथ क्या ऐड होने पे हो जाएगा, प्लस 80 अगर ऐड करें इसके साथ 80 ऐड करो कितना हो जाता है 840 हो जाता है। 840 ना मतलब क्या है, जो रिमाइंडर 80 ज्यादा अगर होता, 80 ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ 80 ज्यादा होना चाहिए तभी जाके ना रिमाइंडर भी 80 ज्यादा होगा, यहाँ अगर 80 ऐड होता तो रिमाइंडर भी इधर ही आता, तो 80 ज्यादा होता ना मतलब 840 हो जाता और 1 time हो जाता, यहाँ ये रिमाइंडर आता ही नहीं इधर ही सॉल्व हो जाता, 2 times जाता ये और आंसर मतलब मिल जाता हमें सॉल्व हो जाता। तो क्योंकि हमने देखा कि 80 ऐड करने पे हो जाता है टोटल हो जाता है 840 और 840 से 840 डिवाइड होता है, इसका मतलब रिमाइंडर के साथ 840 ऐड करना मतलब ये हो, यहाँ अगर 80 रिमाइंडर के साथ 80 ऐड करना मतलब मेन नंबर के साथ अगर 80 ऐड करते तो अल्टीमेटली रिमाइंडर आता ही नहीं, मतलब यहाँ 2 times जाता और 840 के 2 times जाता और अपने आप शाम हो जाता। तो 80 यहाँ अगर ऐड कर देते तो पूरा 840 से डिवाइड होता अगर, तो मतलब फाइनली ये नंबर कौन सा निकला हमारे पास 10080, अब मतलब ये निकला ना 10080 840 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर 840 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली इन सब से डिवाइड होगा क्योंकि इनके एलसीएम से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो इनसे भी ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा, ये मैंने पहले वाले साम में भी बोला हुआ है। तो अल्टीमेटली क्या होगा 8 नंबर का है 10080, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो ध्यान में रखना है इस टाइप के साम ऐसे ही करना है। अब हमने बहुत सारे ऐसे अलग अलग 5 sums हमने इस वीडियो में दिखाया है और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। अब देखो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिखाया है सारा ही एक टॉपिक से रिलेटेड है, डिविजिबिलिटी बेसिकली
रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी, इन सब से रिलेटेड है। तो देखो कितने सारे टाइप्स के साम्स आते हैं, और जितने भी साम मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में, इस टाइप के साम या पहले थ्री तो ऑलरेडी आ चुके हैं, जो डायरेक्ट मतलब एसएससी में ऑलरेडी आ चुके हैं। 2021 में दो आ चुके हैं, 19 में एक आ चुका है, और लास्ट वाला जो दो साम दिया है इस टाइप के बिल्कुल सेम, जस्ट फिगर चेंज है, वो दूसरे ईयर में आए हुए थे। तो फिर मतलब ये हुआ, ये जो जितने भी साम मैंने दिखाया है सारा एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी और स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन, एग्जाम्स की प्रिपरेशन ले रहे हो तो भी आपके लिए ये फायदेमंद है। इसलिए अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो बार बार प्ले करके देखो तो समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना।